आज हम आ गए हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। तो ये देख सकते हैं ये मेन सभागार है इस साइड। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ लाइटिंग ये सब की व्यवस्था बहुत बढ़िया बनाई गई है। बैठने के लिए सीट ये सब बनाया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे इस बिल्डिंग जो फर्स्ट बिल्डिंग आपको मिलेगा, यहाँ से जब हम लोग पीछे आएंगे तो पीछे साइड का जो ये दरवाजा है, पीछे साइड का जो इस साइड से जो हम लोग घूम करके जाएंगे गेट के पास, अगर आपको सीएलसी अगर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है यहाँ विनोबा भावे में, तो आपको आना पड़ेगा ये फर्स्ट बिल्डिंग के बैक साइड। यहाँ से आकर के यहाँ से जब हम लोग फर्स्ट बिल्डिंग में घुसेंगे तब यहाँ से अंदर जा कर के हमें, चलिए आगे जा कर के दिखाता हूँ आपको। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, ये जो फर्स्ट बिल्डिंग का बैक साइड है। आप जब आइएगा तो फर्स्ट वाला गेट में आप जब एंटर कीजिएगा तो आपको बोला जाएगा कि बैक साइड में आइए। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर आइएगा तब आपको यहाँ पर जो भी आप अपलोड किए हैं सारा डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट यहाँ पर देना पड़ेगा। तब आपको अगर माइग्रेशन चाहिए तो माइग्रेशन हैंड टू हैंड दे दिया जाता है। अगर सुबह आप सबमिट करेंगे तो आपको शाम तक दे दिया जाएगा माइग्रेशन 4 बजे के तक। लेकिन अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए तो वो पोस्ट के थ्रू ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने के बाद आकर के यहाँ पर सबमिट कीजिएगा तब आपका जाएगा पोस्ट के थ्रू ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ये एक विभागीय कैंपस है, यहाँ पर सारे देख सकते हैं व्हीकल्स ये सब खड़े हैं। अब हम आ गए हैं सामने उस फर्स्ट बिल्डिंग के बाद, इधर ये स्वामी विवेकानंद सभागार है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो वर्तमान राज्यपाल हैं श्री सीपी राधाकृष्णन, उनका वेलकम किया गया था। उसके लिए यहाँ पर बैनर ये सब आप देख सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत अब इस कैंपस को बनाया गया, आप देख सकते हैं चारों तरफ। चलिए अब आगे चलो, इधर आप देख सकते हैं ये हम लोग इस साइड आए हुए हैं। यहाँ पर एक झील टाइप का बनाया गया है ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आए सभी को बढ़िया लगे और टाइम स्पेंड कर सकें, बाहर में कहीं किसी को जाना ना पड़े। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है, इस कैंपस को पूरी तरीके से। यहाँ पर एक झील जैसा सरोवर बनाया गया है, चलिए आगे बढ़ के दिखा। ये अब आप देख सकते हैं इसको कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। अब इस मेन गेट से अंदर आते हुए फर्स्ट बिल्डिंग और सेकंड बिल्डिंग मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम इस बाय रोड के थ्रू आगे जा कर के देखते हैं क्या क्या है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट किधर है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। जैसे झील ये सब बनाया गया है, वहाँ पर फाउंटेन का आपको दिख रहा होगा, 2-3 फाउंटेन ये सब लगाए गए हैं जो अभी तो स्टार्ट नहीं है लेकिन स्टार्ट रहते होंगे। लाइटिंग की व्यवस्था आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। इस साइड खाली एरिया है, अभी अनयूज्ड लैंड है ये। अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, ये फर्स्ट बिल्डिंग है। उधर से आते के समय ये हमें ये बिल्डिंग है अतिथि सदन, मतलब कि जो भी लोग आगंतुक ये सब जो भी आते होंगे कैंपस में तो वो सब यहाँ पर आकर के ठहरते हैं। इसे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है।
देख सकते हैं लोग यहाँ पर आते हैं अपने समय को व्यतीत करने और यहाँ शांति से बैठने के लिए। यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है, चलिए सामने से दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं स्टैचू के चारों तरफ काफी सुंदर तरीके से पौधों को लगाया गया है डेकोरेट करने के लिए। यहाँ पर हम लोग आकर के देखते हैं, ये हमारे विनोबा भावे जी, माननीय विनोबा भावे जी का स्टैचू यहाँ पर लगाया गया है, जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था अगर आपको याद हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आगे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। ये विज्ञान भवन है, सीवी रमन विज्ञान भवन फर्स्ट कैंपस। क्वार्टर्स है, टीचर्स क्वार्टर, जो भी टीचर्स यहाँ पर हैं, जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में टीचर्स ये सब हैं, उन सब का क्वार्टर यहीं पर अलाउ किया गया है। तो हमें इस साइड का काम है, इधर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये ग्राउंड है यहाँ पर सभी लोग, यहाँ के सभी लोग आते हैं और खेल कूद स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कैंपस के अंदर एक कैंटीन है, जो आहार या आहार कैंटीन नाम दिया गया है इसे। देखिए आहार कैंटीन, यहाँ से घूम सकते हैं हम लोग, यहाँ से आएंगे, यहाँ से अंदर जाकर के ये आहार कैंटीन है। ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, जैसे हिंदी डिपार्टमेंट का यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ है, ये हिंदी डिपार्टमेंट हो गया। ये है रविन्द्रनाथ टैगोर भवन, इस साइड में यही है हिंदी विभाग का, संस्कृत विभाग का, फिलोसफी विभाग का, सारा इधर ही है। योग सदन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं जैसा कि। तो मैंने अभी एक सर से बात किया ताकि थोड़ा जानकारी ले सकूं कि कौन सा विभाग किधर है, तो सर ने बताया कि कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है ये इस ग्राउंड के पीछे वाला जो बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा उधर है, आगे फिर क्वार्टर्स ये सब है, आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं। फिर यहाँ पर ट्राइबल स्टडीज का ये जो न्यू बिल्डिंग आपको दिख रहा है इस ग्राउंड के पीछे, ये सारा ट्राइबल स्टडीज का है। तो वीडियो लंबा भी हो रहा है और आई थिंक मैंने आपको सारे कैंपस का विजिट करवा दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज और कैंपस का जो टूर है, विजिट है, उसके विषय में जानकारी मैं आपको दे सकूँ, ताकि आप वहाँ पर जा कर के किसी भी तरह का असहजता महसूस ना करें, आसानी से जा करके आप वहाँ पर अपने विभाग में जा करके काम ये सब करवा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।